वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे, कागज़ से हमने बनाया है रावण का पुतला। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप घर पे किस तरह कागज़ से ये रावण का पुतला बना सकते हैं। तो आइए बनाते हैं। इसके लिए हमें एक शीट चाहिए होगी और ये हार्ड पेपर होना चाहिए। 26x30 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है शीट का। इसे सेंटर में से हमने कट कर लिया है पहले, और जो एक साइज़ है उसे हम मोड़ेंगे कौन साइज़ की शेप में, ये देखिए इस तरह। और मोड़ने के बाद इसे हम नॉर्मल फेविकोल जो है उससे हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा कम चौड़ा हो, नीचे से ज़्यादा चौड़ा हो, ये देखिए इस तरह। और यहाँ से हम फेविकोल लगा के इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये रावण की बॉडी का नीचे का हिस्सा बन जाएगा। और जो एक्स्ट्रा जो पेपर है इसे हमने कट कर देना है ताकि ये स्टैंड भी बन पाए, ताकि जो हमारा रावण की बॉडी है वो इस तरह खड़ी हो सके इसके ऊपर। तो अब जो दूसरी शीट है फ्रेंड्स, इसे हमने एक सिलेंडर शेप में मोड़ना है। इस तरह हम इसके अंदर फिट करेंगे इसे। तो इसे भी हम एक साइड से फेविकोल लगा के अच्छी तरह हमने पेस्ट कर देना है। और अंदर की तरफ भी आप इसकी फेविकोल ज़रूर लगाइएगा ताकि वो अच्छी तरह मजबूत बन सके। तो ये देखिए ये सिलेंडर टाइप बन गया है, और इसे हम इसके ऊपर इस तरह लगाएंगे तो ये रावण की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अब हम बनाते हैं फ्रेंड्स इसकी हैंड्स के लिए। हमने पेपर लिया है, बीच में मार्कर रख के इसे रोल किया है हमने, और इसे एक साइड से फेविकोल लगा के फिर से पेस्ट कर देना है अच्छी तरह। और इसे मार्कर को निकालने के लिए मैंने एक साइड से पेंसिल एंटर की और दूसरी साइड से इसे बाहर निकाल लिया। और इसे अब हम इसकी आर्म्स बनाएंगे, यानी बाजू रावण के पुतले की बनेंगी। इसे सेंटर में से हमने कट कर लेना है और दोनों साइज़ पे मार्क करके अच्छी तरह यहाँ से एक साइज़ का, यानी सेम साइज़ के दोनों कट कर लेनी है। इससे बनेंगे इसकी आर्म्स। इसे हम दोनों बॉडी की साइड्स में यहाँ पे पेस्ट करेंगे ग्लू गन के साथ। तो इसे अब हम जो सिलेंडर शेप थी हमारी ऊपर का पार्ट था, इसके ऊपर हम एक शीट लगाएंगे ताकि इसके ऊपर हम इसकी गर्दन जो है वो पेस्ट कर सकें, और पूरे जो 10 के 10 सर हैं वो भी इसके ऊपर हम लगा सकें। देखिए मैंने ये एक शीट ली है, थोड़ी सी कागज़ का टुकड़ा लिया है, इसे पेस्ट कर दूंगा मैं इसके ऊपर ताकि ये कवर हो जाए। ये देखिए अब ये यहाँ पे इसे अच्छी तरह पेस्ट कर देना है, थोड़ी देर सूखने देना है, और सूखने के बाद ये इस तरह हो जाएगा पूरा, एकदम ये पेस्ट हो गया, सूख गया है। और यहाँ पे हम लगाएंगे इसकी गर्दन। और गर्दन बनाने के लिए हमने छोटा एक शीट ली है पेपर की, दोबारा इसका एक रोल बनाया है, इसे भी हम पेस्ट करेंगे। और ये इसकी नेक बनेगी, यानी कि इसकी गर्दन बनेगी। इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे ऊपर की तरफ जहाँ पे इसका मुंह लगेगा। और फ्रेंड्स, हम ड्रॉ करते हैं इसके फेसेस यानी मुंह। इसके लिए मैं दो शीट ली हैं। तो पहले हम पिंक वाली शीट के ऊपर इसका फेस ड्रॉ करेंगे, और जो येलो शीट थी उसका हम बनाएंगे इसका क्राउन, यानी इसका जो सिर का ताज होगा वो। पहले हमने आईज ड्रॉ की हैं, ये हमने पूरे 10 फेसेस जो हैं, 10 मुंह इसके ड्रॉ करेंगे और उसे कट कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, जो सेंटर वाला पार्ट होगा, सेंटर वाला जो फेस होगा, उसका साइज़ हमेशा बड़ा होना चाहिए रावण के फेस का, और जो बाकी के 9 फेसेस हैं वो थोड़ा उससे छोटा होना चाहिए। तो एक साइज़ मैंने बड़ा बनाया है और दूसरे साइज़ मैंने छोटे बनाए हैं, यानी एक मुंह बड़ा है और ये छोटे वाला जो मुंह है वो बना रहा हूँ मैं। इसकी मूछें ड्रॉ कर दी, पहले आइज़ ड्रॉ करनी है, फिर नोज़, फिर मूछें, और इसे हम कट कर लेंगे। ये बड़े वाला फेस है, और इस तरह हम पूरे 10 जो फेसेस हैं उन्हें कट कर लेंगे। ये देखिए पहले हमने पेंसिल के साथ इसे ड्रॉ किया, उसके बाद हम इसके अंदर कलरिंग करेंगे, ब्लैक कलर करेंगे हम इसकी मूछों में और आइज़ में। ये देखिए मैंने ये मार्कर लिया है, आप स्केच कलर ले सकते हैं। इसकी मूछों में हमने ब्लैक कलर कर देना है, और जो इसके लिप्स हैं उसमें हमने रेड कलर कर देना है, और इसी तरह इसकी आइज़
और जो आईब्रोज़ हैं उसे भी हम ब्लैक कलर से फिल कर देंगे, और बाकी का जो पेंसिल वाला पार्ट था उसे हम मार्कर के साथ ही आउटलाइन कर देंगे। इसी तरह हमने जो छोटे वाले फेसेस हैं उसके ऊपर भी हमने इसमें कलर कर देना है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे बहुत सी आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, स्कूल रिलेटेड प्रोजेक्ट की वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हमने जो इसी तरह जो बाकी 10 फेसेस हैं उसके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप कलर करना है, और ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं 10 के 10 फेसेस। अब फ्रेंड्स, हम बनाते हैं इसका क्राउन यानी इसके सर का ताज। उसके लिए हमने येलो पेपर लिया है, पहले इस फेस को इसके ऊपर रख के उसके साइज़ का हमने जो क्राउन है वो ड्रॉ कर लेना है। बड़े जो फेस है, सेंटर वाला जो बिग फेस है, उसका साइज़ क्राउन का बड़ा होगा, और जो छोटे फेसेस हैं उसका उसके अकॉर्डिंग छोटा होगा, और इसे कट कर लेना है हमने। और एक साइड पे फेविकोल लगा के हम इसे जो फेस है उसके साथ इस क्राउन को यानी इस ताज को हम पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, अब ये ताज बन गया है। एक अलग से मैंने एक स्ट्रिप कट की है, इसे भी मैं इसके पीछे पेस्ट कर दूंगा, और ये इसका जो सर का ताज है, क्राउन है, वो हमारा रेडी हो गया है। और इसी तरह फ्रेंड्स, हमारे जो छोटे फेसेस हैं 9 फेसेस, उनके ऊपर भी हमने सारे फेसेस के ऊपर क्राउन लगाएंगे। ये देखिए, पहले सिर्फ एक ही साइड पे हमने फेविकोल लगाना है, उसके ऊपर इसे पेस्ट करते जाना है। और आप सिर्फ फ्रेंड्स नॉर्मल फेविकोल ही यूज़ कीजिएगा, कोई और स्ट्रॉन्ग यूज़ ग्लू मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके हैंड्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे फेसेस पूरे रेडी हो गए हैं। अब हमने बनाना है फ्रेंड्स एक कागज़ की स्ट्रिप बनानी है। ये मैंने एक नॉर्मल कॉपी का पेज लिया है, इसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ एक साइड से। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कोई भी पुराना न्यूज़पेपर। देखिए, इसे फोल्ड करके एक लंबी स्ट्रिप बन जाएगी, और इसे यहाँ पे फेविकोल लगा के सेंटर में हम इसे पेस्ट कर देंगे। इस स्ट्रिप के ऊपर फ्रेंड्स हमारे रावण के पूरे सर लगेंगे, 10 के 10 सर। और ये मैंने एक सर्कल कट किया है, इससे हम बनाएंगे रावण की शील्ड जो होती है उसके हाथ में। एक हाथ में शील्ड होती है और दूसरा जो हाथ है उसके अंदर होती है उसकी तलवार। ये देखिए, इस तरह ये शील्ड जो है वो रेडी हो गई है। इसे भी हम एक साइड पे फेविकोल लगा के फिक्स कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इसे। ये शील्ड हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। अब बनाते हैं इसकी हम तलवार। ये मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है एक हार्ड पेपर की शीट के ऊपर तलवार की शेप, और इससे हम सीज़र की हेल्प के साथ कट कर देंगे। और फ्रेंड्स, हमने पूरा रावण बनाने के लिए नॉर्मल जो पेपर है वही यूज़ किया है, और ये है फ्रेंड्स एक अल्मीनियम फॉइल पेपर। इसे हम तलवार के ऊपर लगाएंगे ताकि जो तलवार है वो लुक वाइज अच्छी लगे, असली लगे दिखने में। मैंने तलवार के साइज़ का जो ये अल्मीनियम फॉइल पेपर की शीट है इसे कट किया है, और इसे इसके ऊपर इस तरह लपेट दिया है, पेस्ट कर दिया है। और अब ये हमारी जो तलवार है वो रेडी होगी, और जो एक्स्ट्रा ये होगा अल्मीनियम फॉइल पेपर, इसे हम कट कर देंगे। अब ये हमारी तलवार रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, अब जो ये बॉडी बनी है हमारी, नीचे का जो पार्ट है और ऊपर का, और जो इसके हाथ हैं, इसे हम कलर शीट के साथ कवर कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर पेंटिंग कलर भी कर सकते हैं, या फिर आप कलर पेपर यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर जिस तरह मैं ये बना रहा हूँ कि मैंने पहले वाइट पेपर लिया, उसके बाद मैं क्राफ्ट पेपर, कोई भी कलरफुल पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगा। जिस तरह इसके ऊपर मैंने ये स्काई ब्लू कलर लिया है, और जो ऊपर की बॉडी है इसके ऊपर मैंने लिया है ये लाइट ग्रीन कलर, और सेम कलर हम इसकी नेक में लगाएंगे, गर्दन में, और जो इसके दोनों हाथ हैं उस पर भी लगाएंगे, और ऊपर से थोड़ी डेकोरेशन भी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। तो फ्रेंड्स, हम अगला पार्ट है इसकी जो हैंड्स हैं उसे हमने पेस्ट करना है। इसके लिए मैंने ग्लू गन यूज़ किया है।
आप चाहे तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेविकॉल को सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो ग्लू गन है वो साथ के साथ ही सूख जाती है। तो एक हैंड लग गया और दूसरी साइड भी हमने पहले मार्कर पेंसिल के साथ थोड़ी सी मार्क कर लेना है कि कहाँ पे आपने पेस्ट करना है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है पेस्ट करना। ये दोनों हैंड लग गए हैं और अब हम लगाते हैं इसकी नेक सेंटर में, गर्दन इसकी पेस्ट करनी है। ग्लू गन के साथ इसे हम लगाएंगे और ये देखिए सेंटर में लगाना है बिल्कुल आपने, और इसकी जो गर्दन है ये पेस्ट हो गई है। और ऊपर हम इसके लगाएंगे जो हमने कागज़ की स्ट्रिप बनाई थी वो इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, ताकि इसके जो फेसेस हैं 10 मुंह हैं वो इसके ऊपर लग जाएं। ये देखिए ये पेस्ट हो गई अच्छी तरह। और अब हम वन बाय वन जो रावण के फेसेस हैं उन्हें हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। सबसे बड़े वाला जो फेस है वो आएगा सबसे सेंटर में। इसके दोनों साइड में मैंने ग्लू लगाया है और मैं इसे चिपका रहा हूँ ग्लू गन के साथ। ये देखिए इस तरह हम लगा के इसे इस स्ट्रिप के ऊपर पेस्ट कर देना है। और वन बाय वन हम जो इसके पूरे बाकी के 9 सिर हैं उसे भी हमने इस स्ट्रिप के ऊपर लगा देना है। देखिए फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया अब यहाँ पे। और इसी तरह आपने सारे फेसेस जो हैं वो इसके ऊपर पेस्ट कर देने हैं। ग्लू गन के साथ बहुत आसानी से जल्दी ये पेस्ट हो पा रहे हैं। ये देखिए पूरे लग गए हैं। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है फ्रेंड्स इसे हम कट कर देंगे सीजर की हेल्प के साथ। आराम से कट करना है, इसे जल्दबाजी नहीं करनी है। इसे हम कट कर दिया यहाँ से और दूसरी साइड से भी हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे इसकी यहाँ पे तलवार और जो शील्ड है वो दूसरे हाथ में लगाएंगे। उसके लिए भी मैं ग्लू गन यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा ग्लू लगाया ग्लू गन के साथ और उसके ऊपर ये शील्ड जो है वो उसे पेस्ट कर दिया है। और दूसरे हाथ में हम इसकी जो तलवार है उसे भी हम पेस्ट कर देंगे। और ये हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो रावण का पूरा रेडी हो गया है। इसके जो ताज है क्राउन से थोड़ी सी डेकोरेशन आप कर सकते हैं, तो जिस तरह मैंने ये इसकी ड्रेस भी थोड़ी डेकोरेट की है, इसकी बॉडी ये मैंने एक स्ट्रिप लगा के कट करके उसे पेस्ट कर दिया है। और इसके जो नीचे की बॉडी है उसे भी थोड़ी डेकोरेशन कर सकते हैं आप, ये इस तरह इसके अंदर फिट होगा और ये रावण जो है वो रेडी खड़ा हो जाएगा। अब थोड़ी और डेकोरेशन कर देते हैं इसके लिए। आप चाहें तो थोड़ी क्राफ्ट पेपर के फ्लावर वगैरह बना के भी, स्टार बना के भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि रावण हमारा देखने में लुक वाइज अच्छा लगे। तो इस तरह मैं थोड़ी क्राफ्ट पेपर से ही कटिंग करके इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ, यानी इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर रहा हूँ ताकि ये लुक वाइज ऑसम लगे। और फ्रेंड्स अब जो हमारा शील्ड है उसे हम ब्लैक कलर के साथ, ब्लैक पेंटिंग कलर के साथ मैं इसे पेंट कर रहा हूँ। इस पूरे को मैंने ब्लैक कलर के साथ पेंट कर देना है और हमारी शील्ड जो है वो रेडी हो गई। और इस तरह फ्रेंड्स हमारा जो रावण का पुतला है वो पूरा रेडी हो गया। मैंने नीचे का पार्ट भी थोड़ा डेकोरेट किया है, आप किसी भी शेप का पेपर कट करके इसे डेकोरेशन की लुक दे सकते हैं। इस तरह खड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारा जो रावण है ये पेपर के साथ हमने घर पे ही रेडी किया है, घर पे बनाया है। तो आप भी इस तरह रावण का जो ये पुतला है ये बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। गुड बाय, टेक केयर।